भारत देश विविध भाषा और वेशभूषा से सजा है। भारत में थोड़ी दूरी पर ही लोगों की बोली बदलती है, मगर भारत को एकता में जुड़ाता है वो है इंसानियत और मदद। जी हाँ, कोई भी संकट आए मदद के लिए पूरा देश एक हो जाता है। देश की ऐसी एकता बनाए रखते हैं सामाजिक संस्थाएं। शहर की एक संस्था है जो नैसर्गिक मानवीय संकट में मदद के लिए सबसे आगे रहती है। सांगली, कोल्हापुर, बिहार में आए नैसर्गिक संकट में मदद करने का काम बेटिया शक्ति फाउंडेशन ने किया है। बेटिया शक्ति फाउंडेशन की शाखा 16 राज्यों में है और उसमें 7,500 से भी ज्यादा स्वयंसेवक लोगों की सेवा कर रहे हैं। फाउंडेशन की ओर से महिलाओं की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है। फाउंडेशन 16 राज्यों में महिलाओं को पेपर स्प्रे और पैड निशुल्क देते हैं। जो भी महिला छात्रा को पढ़ाई की होड़ और वो नागपुर में पढ़ाई के लिए आए हो, उनको और शहर के बेसहारा लोगों को भोजन की व्यवस्था फाउंडेशन की ओर से की जाती है। बेटिया शक्ति फाउंडेशन के इन कामों को हमारा सलाम। सड़कें हैं सुनसान, हो गई है दुनिया वीरान, डर रहे हैं हम निकलने में घर से बाहर, और वो डर रहे हैं घर जाने से और छूने से बच्चों। जोखिम में डाल अपनी जान, कर रहे हैं दिन रात एक, करने के लिए है रक्षा हमारी। कहा उन्हें आराम है, अपनी नींदें उड़ाती, अपनी भूखे मिटाती, इच्छाओं को त्याग कर सहकर दुख और बाधा छिपा कर अपने दिल का दर्द, कर रहे हैं मानवता की सेवा। देश सेवा धन समझ कर रहे हैं लड़ कोरोना से, हौसले से अपने रहे हैं जिंदगी आप बचा, जान से खेल कर अपने लड़ रहे हैं जंग। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में रहे हैं निभा महत्वपूर्ण भूमिका, करते हैं प्रकट हम सभी योद्धाओं का हृदय से आभार। नायकों के इस इरादे को सलाम, नायकों के इस इरादे को सलाम।